मुख्यालय पर शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धार जिले के चार बहादुर सिपाहियों ने देश के लिए अपना बलिदान तक दिया। सूबेदार रविंद्र सिंह राठौर, आरक्षक प्रकाश चंद, जवान श्याम सिंह और मध्य प्रदेश पुलिस के जवान गिरधारी लाल धुरिया को उनके मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। धार जिले के रहने वाले इन बहादुर सपूतों ने विभिन्न सुरक्षा बलों में कार्य करते हुए देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए अपने प्राणों तक का न्यौछावर किया है। इनकी शहादत का स्वर्णिम सम्मान करते हेतु शहीद जवानों और सैनिकों के परिजनों का अभिनंदन और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि शहीदों के घर जाकर उनके परिवार का सम्मान और उनके स्कूल जहां वो पढ़े हैं वहां जाकर उनके चित्रों पर माल्यार्पण की जाएगी। धार कलेक्टर दीपक सिंह ने वीर सपूतों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले ऐसे वीर सपूतों को नमन है। देशभक्ति की भावना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने ड्यूटी पर तैनात रहते हुए अपने जान की कुर्बानी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए दी है, उनके सम्मान स्वरूप 14 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इस दौरान हम उनके घरों में जाएंगे, उनके परिवार के लोगों का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही जिन स्कूलों में वो पढ़े हैं उन स्कूल्स में जाकर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें ये जो धार जिले के चार शहीद हुए हैं इनके परिवारजनों का सम्मान किया जाएगा। इसके साथ ही वहाँ देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रीय गीत की और देशभक्ति के गानों की और कविताओं का भी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। और फिलहाल